गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएड के फोर पेपर प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम टॉपिक प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग की बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज प्रस्तावना हम पढ़ने जा रहे हैं या इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे टीम टीचिंग की। टीम टीचिंग इज़ अ मॉडल वेयर टू और मोर टीचर कम टुगेदर टू टीच वन सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एज एवरी मॉडल एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, टीम टीचिंग ऑल्सो फॉलो अ प्रोसेस ऑफ 3 स्टेप। द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। यहाँ पर टीम टीचिंग का अर्थ यह है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक अध्यापक एक ही सब्जेक्ट का अध्ययन या अध्यापन कार्य कराते हैं वह टीम टीचिंग कहलाती है। जिसमें हम यहाँ पे 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएशन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग सेशन, राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, आइडेंटिफाई द प्रीरियर बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स, डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट, असाइनिंग ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, फिक्सिंग अप द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड अदर इनपुट्स, डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट मीन टू बी अडोप्टेड फॉर इवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। टीम टीचिंग से यह मतलब है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक अध्यापक करके अध्यापन कार्य कराते हैं और वह एक ही विषय वस्तु या एक ही पेपर पढ़ाते हैं, उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। जहाँ वह अपने विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, अलग अलग तरीके से विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, वह हमारा टीम टीचिंग के अंतर्गत ही आएगा। परंतु वह एक ही विषय वस्तु को अध्ययन करा रहे हैं तो वह टीम टीचिंग के अंतर्गत आएगा। जिसमें तीन हमारे मुख्य हमारी स्टेप्स हैं, जिसमें प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था और इवेल्यूएशन था। तो प्लानिंग में हम बात करेंगे कि हम अगर किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो उससे पहले हमारी क्या प्लानिंग रहती है, किसके बारे में हम बात करते हैं। चाहे वह हम किसी भी कार्य को करना चाहें, किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करना चाहें या करने जा रहे हैं, तो हम अपना एक माइंड सेटअप करते हैं, हम अपना एक प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हम क्या कैसे क्या चीज़ करेंगे और हमारा अपनी चीज़ों को कैसे प्रभावशाली ढंग से किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। तो प्लानिंग में भी हम यही करेंगे कि हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या होंगे, हम किस उद्देश्य को लेकर के कक्षा में जाएंगे और टीम टीचिंग के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारे उद्देश्य जो होंगे वो हम प्लानिंग में ही निर्धारित करेंगे। फिर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, मतलब व्यवहारिक रूप से उद्देश्यों को किस तरह से प्रयोग में लाएंगे, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रीरियर बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। हम लर्नर्स अर्थात हम अपने विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि वह किस अभिक्षमता या किस अभियोग्यता को रखते हैं। डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ मटेरियल टू बी टॉट, हम अपने मटेरियल को डिसाइड करेंगे कि हम किस विधि या किस प्रविधि या किस प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा या कोई अन्य विधियों के द्वारा हम अपने मटेरियल को पढ़ा पाएँ। नेक्स्ट है असाइनिंग द ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स, हम अपनी जो टीम टीचिंग होगी हमारी, जो 4 या 5 अध्यापक मिलकर के टीचिंग करेंगे, तो हमें उसमें यह डिसाइड करना होगा या हम 4 अध्यापकों को यह डिसाइड करना होगा कि प्रथम प्रकरण कौन पढ़ाएगा, द्वितीय कौन पढ़ाएगा, चतुर्थ कौन पढ़ाएगा। तो इन सभी बातों को डिसाइड हम प्लानिंग के अंतर्गत ही करेंगे। फिक्सिंग अप द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग अप द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कौन देगा, इंस्ट्रक्टर कौन बनेगा, इस पर हम भी प्लानिंग में ही बात करेंगे। सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड अदर इनपुट्स, हम यहाँ पे कौन से टीचिंग एड्स को यहाँ पे शामिल करेंगे, किन इनपुट्स को हम यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे जिससे विद्यार्थियों को अधिक समझ में आए, वे अधिक अर्थपूर्ण तरीके से समझ सकें,
तो इस पे हम बात करेंगे। फिर डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट मीन टू बी एडॉप्टेड फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट मीन्स टू बी एडॉप्टेड द इवेलुएटिंग। इवेलुएटिंग मतलब मूल्यांकन की ऐसी हमारी कौन सी व्यवस्था होगी जिनको हम विद्यार्थियों पे लागू करेंगे, और जो हमने उनको अध्ययन कराया है, जो हमने उनको समझाया है, उन्हें कितना समझ में आया है, तो ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे कि हम उनके अंदर जो उनने ग्रहण किया है उसको जान सकें। तो इसका भी हम इवेल्युएशन की जो प्रक्रिया है इसकी भी जो विधियों का प्रयोग होगा वो हम प्लानिंग के अंदर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ संगठन या संगठन की व्यवस्था, या क्या कह सकते हैं हम कि किसी प्रोग्राम को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कराना जा रहे हैं या उसे प्रोसेस में किस तरह से लाने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में है डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन। सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू बी द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, आस्क्ड टू द इवेल्युएट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो व्यक्ति या जो अध्यापक उनको इंस्ट्रक्शन देने जा रहा है, तो वो उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह का बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए तैयार करेगा, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करेंगे। सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बाय द कंसाइडरिंग द लेवल ऑफ लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ द लर्नर। विद्यार्थियों को कौन सी भाषा में, या कह सकते हैं कि वह कौन से स्तर के हैं, कौन सी योग्यता को रखते हैं और कौन सी भाषा में शिक्षा ग्रहण करनी है, यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो ये भी हम कम्युनिकेट करेंगे विद्यार्थियों से और उनसे कंसाइडर करेंगे कि आप हमें बताइए या आपको कौन सी लैंग्वेज सुटेबल लग रही है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिसाइड करके और उसी के द्वारा ही हम विद्यार्थियों को अध्ययन कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन टू लीड लेक्चर बाय अ टीम अदर टीचर्स, लिसन द लेक्चर एंड नोट एलिमेंट ऑफ द टॉपिक दैट अपीयर टू बी नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू द लर्नर्स और नॉट अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, कि हम अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से लीड करेंगे, हम अपने लेक्चर टीम किस तरह से तैयार करने वाले हैं, हम अपने लेक्चर्स और नोट जो एलिमेंट्स हैं और या टॉपिक हैं हमारे, वो उसको किस तरह से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में, उनको समझाने में सक्षम रहेंगे, और हम अपने कंटेंट को जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं उनको किस तरह से समझाएं, इतनी सरल या सुलभ व्यवस्था से समझाएं कि उनको जल्दी समझ में आए, उसका जो अर्थ है वो समझ पाएं और ग्रहण कर पाएं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड रिइंफोर्समेंट ड्यूरिंग द स्टेज। प्रोवाइडिंग द मोटिवेशन एंड रिइंफोर्समेंट मोटिवेशन एंड रिइंफोर्समेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षण में ये विद्यार्थियों को होती है। एक कक्षा कक्ष में सबसे ज़्यादा जो दो हमारा मेन आस्पेक्ट्स हैं मोटिवेशन एंड रिइंफोर्समेंट, उनको हम ले सकते हैं। मोटिवेशन मतलब हमें हर पल हर क्षण विद्यार्थियों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वह बोर ना हो। अगर हम किसी कंटेंट को लेकर के लेक्चर सीरीज चला रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, तो उनको हर लेक्चर सीरीज में उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। रिइंफोर्समेंट मतलब ये हुआ कि उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनको शाबाशी देनी पड़ेगी, उनको उस चीज़ के लिए जागरूक करना पड़ेगा। और अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अगर हमारे द्वारा जो अध्ययन कराया गया है, अध्यापन की प्रक्रिया कराई गई है, वो सीख जाते हैं और वह हम अगर इवेल्युएशन करते हैं या किसी चीज़ को टॉपिक को बताते हैं, तो उनका रिइंफोर्समेंट पृष्ठपोषण मतलब उनको एक अच्छी तरह से मूल्यांकन करना हुआ, उनका एक अच्छी तरह से उनको शाबाशी देनी हुई कि वह बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करना हुआ इन सब चीज़ों के लिए कि वह कर सकते हैं। किसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो विद्यार्थी अपनी शैक्षिक रुचि को मोटिवेट ना कर पाए। नेक्स्ट है सुपरविज़न ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ विच आर असाइन इन ग्रुप। सुपरविज़न ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़, सुपरविज़न कौन करेगा विद्यार्थियों का, उनकी एक्टिविटीयों का, और वो क्या असाइन कर रहे हैं, उनका कोई ग्रुप बनाया गया है या ग्रुप वर्क दे रखा है या सिंगल इंडिविजुअल कोई वर्क दिया है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में हम बात करते हैं एवरी मेंबर ऑफ टीम शुड बी कंसाइज अबाउट टाइम शेड्यूल एंड अबाउट द वर्क असाइन टू हिम। ही मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान।
ये बात हमें सबको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे शेड्यूल की, टाइम की और टीम टीचिंग की बात कर रहे हैं और सभी सदस्यों के लिए बात कर रहे हैं कि वो उनको वेल प्रिपेयर होना चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ नया जागरूक करने के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। या हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के निर्माण में अध्यापक का जो सहयोग होता है वह हम यहाँ पे टीम टीचिंग के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन क्या है हम इसके बारे में समझते हैं। इवैल्यूएशन इज़ अन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है शिक्षण के लिए। इट हेल्प्स टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। ये मेज़र करती है, ये मापन करती है विद्यार्थियों का कि उन्होंने कितना सीखा। इट आल्सो प्रोवाइड्स रिइंफोर्समेंट्स टू द टीम ऑफ टीचर्स एज वेल एज टू द लर्नर्स। हिज स्टेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज। साथ ही ये इवेल्युएशन करती है, मूल्यांकन करती है टीचर्स का कि किस तरह से उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है और उनका क्या परिणाम रहा। अगर विद्यार्थी अच्छा करते हैं तो अध्यापक को रिइंफोर्समेंट मिलता है, एक पृष्ठपोषण मिलता है कि उनके द्वारा कराया गया अध्ययन अच्छा है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तभी उनके विद्यार्थी इतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आस्किंग ओरल क्वेश्चंस। इवैल्यूएशन हमारा किस किस प्रकार हो सकता है इसके बारे में हमने बात की है। आस्किंग ओरल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शुड बी मेजर टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ओरली हो सकते हैं, विद्यार्थी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है डिसीजन मेकिंग में, कैसा उनका डिसीजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर एंड प्रोवाइडिंग द रेमिडेशन। यहाँ पे कि लर्नर की कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उसे समझ में नहीं आया है तो उसको हल करने के लिए हमने क्या क्या रेमिडीज़ दी हैं, क्या क्या हमने उनको हल करने के लिए सुझाव दिए हैं, या हम उनको किस तरह से समझा रहे हैं, या ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं जिससे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाइजिंग द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेजेस ऑफ द टीम टीचिंग इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन टू द स्टूडेंट। लास्टली हम इवैल्यूएशन में या मूल्यांकन में बात करेंगे प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, मतलब क्या हमने प्लान किया और क्या हमने ऑर्गेनाइज किया। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टीम हमारी जो दो मेन प्रथम और द्वितीय जो हमारा चरण था वो टीम टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो इवैल्यूएशन जो सबसे लास्ट वाला है। जब हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तभी हम लास्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब हमने किसी प्रकार का प्लान नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो इवैल्यूएशन हमारा कहाँ से होगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किसी भी कक्षा में अगर जाएं तो हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है उसको। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये हुआ कि कक्षा के भीतर हम चले गए हैं तो हमारे द्वारा किसी विषय वस्तु या कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है तो किस तरह से हम उसको पढ़ा रहे हैं, किन विधि प्रविधि या मटेरियल्स का प्रयोग किया जा रहा है, किस मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, क्या उसका आउटकम हुआ, उसके बारे में हम सोचेंगे तभी हम किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन कर पाएंगे। कंक्लूजन या अर्थात निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं, इस पे बात करेंगे। टीम टीचिंग इज़ इफेक्टिव व्हेन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व आर फॉलोड डिलीजेंटली बाय द टीम फॉर टीचर्स। दिस मेथड ब्रिंग द बेस्ट टीचर टेक्निक्स एंड मटेरियल टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ पे निष्कर्ष यह निकला है कि जो टीम टीचिंग है बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है, अर्थात हम अगर चार अध्यापक किसी एक कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सबके पढ़ाने की विधि अलग होगी, सबका पढ़ाने का मेथड अलग होगा, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे और विद्यार्थी उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। तो टीम टीचिंग एक बहुत ही एक अच्छा शिक्षण है, हम इसको ये कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज हमने टीम टीचिंग के बारे में बताया है और आप इसे सुनेंगे और अपने व्यवहार में लाएंगे, प्रयोग करेंगे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।